हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे आज आप, ये हमारी लाइन पीटी है। ये इन कमर में लगी है, यानी कि लाइन में लगी, तो इसलिए इसको लाइन पीटी बोलते हैं। यदि ये बस में लग जाएगी तो इसको बस पीटी बोलेंगे। तो देख सकते हैं आज मैं आपको लाइन पीटी की वर्किंग और जो है वोल्ट मीटर के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, यानी लाइन पीटी जो होती है, पीटी होती है या बस पीटी कुछ भी हो सकती है, उसकी जो आउटपुट होती है, एक्चुअली में एक ट्रांसफार्मर होता है। देख सकते हैं ट्रांसफार्मर है, जिसको ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इसकी आज मैं आपको वायरिंग के बारे में बताने वाला हूँ, किस तरीके से इसकी वायरिंग कर सकते हैं, इसकी आउटपुट कहाँ पे किस तरीके से यूज की जाती है और इसको हम यूज क्यों करते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है यूज करने की, तो वो आपको सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। यदि चैनल पे पहली बार विजिट करते हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो हमारी पीटी लगी है, इसमें इस देख सकते हैं इनकमर है। यहाँ पे इनकमर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, खाली इनकमर भी लिखा हो सकता है। तो उसकी इनकमिंग से 3 वायर उठाए गए हैं। देखे पहले वायरिंग के बारे में बता दो किस तरीके से वायरिंग की गई है, उसके बाद आपको मैं इसकी वर्किंग बताऊंगा कि इसकी वर्किंग क्या है, लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखे यहाँ से 3 वायर उठाए, आर वाई बी के, देख सकते हैं यहाँ पे जिसपे फेरुल भी लगा हुआ है, 1R1, 1Y1, 1B1। और यहाँ देखिए ये टनल दिए गए हैं। एक्चुअली में जो पीटी है ये ड्राउट टाइप, ये एक ट्रॉली के अंदर लगाई गई है, इसलिए यहाँ पे ड्राउट के सिंबल दिए गए। देखिए ये जो सिंबल है फ्रेंड्स, ये ड्राउट के सिंबल है, ये एक ट्रॉली के अंदर ये माउंटिंग की गई है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बनाई गई है। तो देखें यहाँ पे आपको सिंपल बताता हूँ, आपको इस पे ध्यान ही नहीं देना है कि ये ड्राउट टर्मिनल भी है। तो यहाँ से देखिए वायर उठाए डायरेक्ट, ये फिक्स टाइप भी हो सकती है, ड्राउट भी हो सकती है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कैसी आपकी सिस्टम है, आपका कस्टमर ने कैसे किस तरीके से आपका पैनल बनाया है, उसके अकॉर्डिंग ये बनाई जाती है। तो देखिए यहाँ से 1R1 का वायर उठाए फ्रेंड्स यहाँ पे, और ये गया फ्यूज के ऊपर। देखिए फ्यूज के ऊपर गया, फ्यूज से वायर निकला है, वो गया है आर फेज पे। ये पीटी पे लिखा रहता है कैपिटल ए बी सी और एक न्यूट्रल, और जो सेकेंडरी में लिखा था स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी और स्मॉल एन, ये आउटपुट होती है। तो देख सकते हैं इसमें यहाँ पे अलग अलग 3 पीटी दिखाई गई हैं, यानी तीनों फेज के अलग अलग दिखाई है, ये अलग दिखाई है, ये अलग दिखाई है, अलग दिखाई है, बट ये रेजिन कास्ट होती है, तो इसके वो इंटरनल सब कुछ ही होता है। हमारे जो आउटपुट पे निकलता है, आउटपुट इनपुट पे 3 वायर होते हैं, आर यानी ए बी सी एन, ऐसे आउटपुट पे वायर होते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और एन। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ये आर का वायर है वो इस कैपिटल ए पे लग जाता है, ऐसे ही वाई का वायर जो कैपिटल बी पे लग जाता है, ऐसे ही बी का वायर है जो वाई का वायर है वो कैपिटल बी पे लग जाता है, और इस प्रकार ये बी का वायर है वो कैपिटल सी पे लग जाता है, और जो इसकी जो सेकेंडरी होती है न्यूट्रल वायर होता है उसको फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से अर्थ कर दिया जाता है। स्टार पॉइंट जो होता है इन सब का, जो सेकेंडरी का होता है उसको स्टार पॉइंट को यहाँ पे अर्थ कर दिया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे अर्थ किया हुआ है, उसके जस्ट जिस तरीके से प्राइमरी के कनेक्शन होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे आउटपुट के कनेक्शन होते हैं, यानी कि सेकेंडरी के कनेक्शन। देखिए यहाँ पे स्मॉल ए पे 1R4 का कनेक्शन किया गया है, इसी प्रकार ये स्मॉल बी होता है जिस पे 1Y4 का कनेक्शन किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो स्मॉल सी होता है उस पे 1B4 का कनेक्शन है, और जो ये इसके सेकेंडरी होता है जिस पे A2 लिखा हुआ है, ये सभी को शॉर्ट करके ये फ्रेंड्स यहाँ पे इसको ग्राउंड कर दिया जाता है, यानी कि जो स्टार पॉइंट है उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बीच में फ्यूज भी लगाए गए हैं, इसकी प्राइमरी की प्रोटेक्शन के लिए, यदि शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ पे फ्यूज लगाए गए हैं, फ्यूज उड़ जाएगा यदि प्राइमरी या सेकेंडरी के अंदर कोई भी शॉर्ट होता है तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे फ्यूज लगाए गए हैं। फ्यूज की रेटिंग फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 2 एम्पीयर या 6 एम्पीयर की रख सकते हैं। देखें यहाँ पे हमने 6 एम्पीयर का यहाँ पे फ्यूज लगाया गया, लिखा भी हुआ है। उसके बाद आउटपुट पे यहाँ पे एक MCB लगाई गई है, देखिए यहाँ पे, और MCB जो लगी है वो ऑक्स के साथ में लगी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्स NO, ये वाला जो देख सकते हैं TB9 TB10 है, ये ऑक्स की वायर है जो MCB के साथ में अटैच है, ये ऑक्स। तो इस ऑक्स को फ्रेंड्स यहाँ पे सर्किट में यूज किया जाता है, कि सर्किट में यूज किया जाता है वो किस तरीके से यूज किया जाता है, जब MCB ऑन हो जाएगी तो उसकी फीडबैक जाती है कि MCB ऑन है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो कॉन्टैक्ट है ये सर्किट में यूज किया जाता है, फीडबैक जाती है कि हमारी जो है पावर सप्लाई तो है नहीं बट MCB ऑन है। यदि MCB एक्चुअल में क्या है, जब क्या होता है पावर सप्लाई पीछे से नहीं आती है तो यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगी,
यदि पावर सप्लाई चले जाती है तो यहाँ पे कम से कम ये एमसीबी की आउटपुट फीडबैक जाती रहती है, एमसीबी आउट है बट पावर सप्लाई नहीं है। एक्चुअली यदि एमसीबी ऑफ भी हो जाएगी तो उसकी फीडबैक नहीं जाएगी, पता ही नहीं चल पाएगा कि पीछे सप्लाई गई है या एमसीबी ऑफ हुई है। इसलिए यहाँ पे कैनो कॉन्टैक्ट यूज़ किया जाता है कि एमसीबी ऑन है बट पावर सप्लाई फेल है, तो इस तरीके से इसकी फीडबैक यहाँ पे यूज की जाती है। वो जब आगे ये जो रिले देखते हैं न्यूमेरिकल रिले, जब इसकी प्रोग्रामिंग की वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें इस एमसीबी का यूज है, तो वो मैं आपको प्रोग्रामिंग वाली वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि ये कॉन्टैक्ट कहाँ पे किस तरीके से यूज किया जा सकता है, कहाँ पे सर्किट में इसको यूज किया जाता है, कैसे प्रोग्रामिंग में इसको यूज किया जाता है। तो देखें यहाँ से वायर निकला फ्रेंड्स, ये आर का वायर हो गया, ये वाई का वायर हो गया, बी का हो गया, और ये देखें यहाँ पे न्यूट्रल का वायर हो गया। देखिए ये 4 पोल की एमसीबी लगी है, ये न्यूट्रल का वायर हो गया है, या टीपीएन की एमसीबी हो सकती है 3 फेज विद न्यूट्रल, या 4 पोल भी इसको बोल सकते हैं। देखें यहाँ से ये वायर निकला और ये चले गए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए रिले को देखिए, ये गया है 2 न्यूमेरिकल रिले। जब ये रिले वाले सर्किट पे हम आएंगे, जब आपको रिले के सर्किट के बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से कहाँ पे कनेक्शन किया जाता है, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो देखिए आर फेज का कनेक्शन आर वाली लाइट पे गया है, तो ये आर फेज के लिए होगा, ये वाई फेज, ये बी फेज। उसके बाद यहाँ पे देखिए आर और बी, ये बी यहाँ से कनेक्शन गया है, ये यहाँ पे आर पे, तो एक आर गया था एक बी गया था, तो ये लाइट जो हो गई है 110 की हो गई, जो पीटी होती है फ्रेंड्स ये 415 110 की है। देखें यहाँ पे लिखा है 415√3, रूट थ्री मतलब इसमें हमने 415 को रूट थ्री से डिवाइड कर देंगे तो 240 वोल्ट यहाँ पे सेकेंडरी आ जाती है न्यूट्रल के साथ में। ऐसे ही 110√3 हो गया तो यहाँ पे 64 के करीब यहाँ पे इसकी वोल्टेज आ जाती है, तो आउटपुट में न्यूट्रल के साथ में 63-64 के करीब वोल्ट आ जाती है, और यहाँ पे 240 की करीब यहाँ पे इसकी प्राइमरी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो ये है ट्रांसफार्मर, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो हाई वोल्टेज को यानी 415 वोल्टेज को लो वोल्टेज में यहाँ पे आपको कन्वर्ट करके देता है। जो वोल्टेज, जो लो वोल्टेज होती है फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइट लगाई जाती है। देख सकते हैं ये सभी लाइटें 110 की लगी हैं, और ये देखिए VSS, जिसको हम वोल्टमीटर सेलेक्टर स्विच बोलते हैं, ये वोल्टमीटर सेलेक्टर से उस पर भी इस तरीके से कनेक्शन होते हैं आर वाई बी, उस पर यहाँ पे कनेक्शन कर दिया जाता है। ऐसे V1 V2 से यहाँ पे 2 वायर उठा करके वोल्टमीटर ये में लगा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो वोल्टमीटर होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। जो एनालॉग होता है फ्रेंड्स, वो पीटी के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, जैसे कि पीटी 415√3 110√3, तो वोल्टमीटर भी 415√3 110√3 का लगाया जाएगा। और यदि डिजिटल वोल्टमीटर है तो प्रोग्रामेबल टाइप में रहता है, उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोग्रामेबल रहती है, तो उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे कि 415 प्राइमरी रहेगी, उसमें प्राइमरी फीड कर देते हैं, सेकेंडरी 110 तो 110 फीड कर देते हैं। तो इस प्रकार वोल्टमीटर के यहाँ पे कनेक्शन किए जाते हैं। इसी बीच में आप यहाँ पे जैसे ये लगा है, यहाँ पे आप मल्टीफंक्शन मीटर भी लगा सकते हैं। मल्टीफंक्शन मीटर वाली मैं वीडियो नेक्स्ट बना दूंगा आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, किस तरीके से उसके साथ में सीटी भी कनेक्ट करेंगे मल्टीफंक्शन के साथ में, तो आपको मल्टीफंक्शन का जो कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं सर्किट में, वो आपको मैं पूरा बना करके इस तरीके से ड्राइंग में सिखाऊंगा। तो देखिए उसके बाद ये देखिए बार यहाँ पे न्यूमेरिकल रिले को चले जाते, जैसा कि मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल रिले का सर्किट हम अलग से आपको बना के दिखा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वायरिंग की जाती है। तो आपको बता दें कि पीटी यूज क्यों, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक्चुअल में क्या है, हाई वोल्टेज यानी जो 415 वोल्टेज उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके हम जो डोर पे कंपोनेंट यूज करते हैं वो लो वोल्टेज में यूज करते हैं, जिससे कभी भी हम डोर पे काम करें तो कुछ भी काम करता है प्रोटेक्शन के लिए, लो वोल्टेज से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता जितना हाई वोल्टेज हमको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, तो इसलिए लो वोल्टेज को हम डोर पे यूज करते हैं। और जो रिले होती है फ्रेंड्स, वो हाई वोल्टेज पे काम नहीं करती है, वो मैक्सिमम 110 वोल्ट जो उसकी सेंसिंग वोल्टेज है, तो मैक्सिमम 110 वोल्टेज के लिए ये वर्क करती है। इसी तरीके जो सिटी की सेकेंडरी होती है रिले पे आती है, वो भी लो करंट पे काम करती है, जो 5 और 1 ही यहाँ पे निकलता है, क्योंकि इसके जो टर्मिनल अंदर जो होते हैं वो हाई करंट के लिए, हाई वोल्टेज के लिए नहीं बने होते हैं, तो लो वोल्टेज के लिए बने होते हैं। तो इसलिए जो पीटी होती है फ्रेंड्स, हम हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके रिले, वोल्टमीटर, अमीटर और जो लाइट है वोल्टमीटर और जो हमारी लाइटें होती हैं और रिलेज होती है उन पे इसको हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो चैनल बेल वाली हिट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये पीटी का सर्किट, लाइटिंग और VSS किस तरीके से आप सर्किट में यूज कर सकते हैं, वो आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।